वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन ये आ रहे थे कि मेन बार क्या होता है, क्रॉस बार क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। तीनों में देखो डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। मेन बार वो होता है जो आपकी जो स्लैब होती है, स्लैब या फिर फुटिंग, नीचे जो फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं, जो मैस यूज करते हैं, डबल मैस जो मैस, उसको बोलते हैं जाल को। ये आपका जाल हो गया है, ये आपका क्या है, एक जाल हो गया जो स्लैब के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक वो जाल हो जाएगा जो फुटिंग में सबसे नीचे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे भी जाल प्रोवाइड, जैसे कॉलम, सिंगल कॉलम हो गया है, सिंगल कंबाइंड कॉलम फुटिंग हो गई, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मैस यूज करते हैं नीचे कॉलम के लिए। तो वहाँ पे भी आप क्या प्रोवाइड करते हैं, मेन बार एंड क्रॉस बार, और स्लैब के अंदर मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार वो होता है जो स्लैब है, स्लैब की जो लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें जो स्लैब की जो लंबाई है वो है, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का ये है आपके, ये है 3.5 फीट, ये सपोज ये है 4 फीट, ठीक है। ये स्लैब की जो चौड़ाई है 4 फीट है और लंबाई है 6 फीट। तो 4 फीट हमारे जो स्लैब है उसमें जो सबसे पहले जो सबसे नीचे प्रोवाइड करते हैं वो होता है मेन बार। ये हमने जो सबसे नीचे प्रोवाइड करेंगे पहले मेन बार प्रोवाइड करेंगे, ये 4 फीट की लंबाई है सरिये की, ठीक है। और स्लैब हमारी जो स्लैब की जो छोटी शॉर्ट स्पान है स्लैब का, वो भी 4 फीट है। और ये वाला जो ऊपर हमने किया है ये है क्रॉस बार, ये आपका क्रॉस बार हो गया। क्रॉस बार हम इसको क्रॉस करने के लिए, मेन बार को क्रॉस करने के लिए, या फिर इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी इसको बोला जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा तो मेन बार एंड क्रॉस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। तो क्लियर, शॉर्टर स्पान मेन बार एंड लॉन्गर स्पैन क्रॉस बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार। और जो हम एक्स्ट्रा बार इसके अंदर जो प्रोवाइड करते हैं, दो क्रैंक के बीच में जो एक्स्ट्रा बार हम प्रोवाइड करते हैं, वो मिनिमम 1 फीट तक आगे होनी चाहिए। और जो उसके नीचे हम प्रोवाइड करते हैं, उसके नीचे या डबल मैस हो जाता है ना, यहाँ पे एक डबल मैस हो जाता है, यहाँ पे एक मेन बार आया, उसके नीचे क्रॉस बार आ गया, वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पर गिवन है, नहीं तो 8 से 10 mm का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो यूज़ किया हुआ है, ये स्लैब है, हैवी स्ट्रक्चर यूज है, हैवी लोड के लिए जो लाइव लोड है, इसका जो लाइव लोड है वो ज़्यादा होता है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, डेड लोड आपका स्लैब के ऊपर ही बढ़ जाएगा। डेड लोड वो होता है आपका कंक्रीट एंड स्टील का जो लोड होता है, वो का डेड लोड होता है। लाइव लोड वो होता है जो भी स्लैब के ऊपर जो भी आप रखते हो वो आपका लाइव लोड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से, इस पर्पज़ की वजह से, इसकी जो स्पेसिंग रखी है 12 mm का बार रखा है, मेन बार एंड क्रॉस बार, जो इसकी स्पेसिंग है 12 mm है, 5x5 इंच की स्पेसिंग पर रखा हुआ है। और ये क्या है, क्रैंक बार। तो यहाँ पे इसमें, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा बार भी आएगा, एक्स्ट्रा बार आएगा मिनिमम 1 फीट तक, उसके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे। उसके बाद जो डबल मैस हो जाएगा वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, चेयर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही आपको चारों तरफ एक्स्ट्रा बार डालना है, दो क्रैंकों के बीच में जो एक्स्ट्रा बार आता है बीच में वो बाहर तक निकालने के बाद, ठीक है। तो बस यही बताना चाहता था कि काफ़ी कमेंट आए थे वहाँ पर, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्रॉस बार क्या होता है कि, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।